नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। डंडा नाच दिखाने के लिए निकली गांव में बच्चों की टोली। फसल काटने की खुशी में लोग घर घर जाकर करते हैं यह नाच। जिले के ग्रामीण अंचलों में बच्चों के द्वारा पारंपरिक डंडा नाच। बताते चले कि इन दिनों ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के द्वारा घर घर में जाकर डंडा नाच किया जा रहा है। डंडा नाच छत्तीसगढ़ की पारंपरिक नाच में से एक है। यह डंडा नाच फसल कटाई के बाद बच्चों एवं बड़ों के द्वारा घर घर में जाकर डंडा नाच दिखाया जाता है। नाच दिखाने के बदले में घर वालों से उपहार के रूप में धान और पैसा, चॉकलेट लिए जाते हैं। आपको बता दें कब करते हैं यह नाच। दरअसल धान की फसल की जाती है। फसल काटने की खुशी में किसानों की ओर से यह नाच किया जाता है। किसानों की 6 महीने की कमाई जब उसके खलियान में आ जाती है तब वह खुशी से नाच उठता है। किसानों के उसी नृत्य को छत्तीसगढ़ पारंपरिक डंडा नृत्य कहा जाता है। यही डंडा नाच यहाँ के बच्चे नाच कर गाँव में रची बसी अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। तो वहीं ग्रामीण भी इसको स्नेह के साथ धन, नकद पैसे और चॉकलेट के साथ साथ चावल भी देकर उनका उत्साह बढ़ाते हैं। स्वागत जिंदगी के लिए छत्तीसगढ़ से प्रवीण उपाध्याय की रिपोर्ट। लगातार बड़ी खबरें देखते रहने के लिए बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। उत्तर प्रदेश एवं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल स्वागत जिंदगी को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम त्रिलोक कुमार कंवर है। अच्छा, ये छेरछेरा त्यौहार पुराने जमाने से आ रहा है और हम इस और छेरछेरा तारीख 17 तारीख को है। ये छत्तीसगढ़ का त्यौहार है और इस त्यौहार को मनाने के लिए हम डंडा नाचते हैं और 8-10 दिन पहले से हम गांव-गांव जाकर डंडा नाचते हैं। और डंडा नाचते हैं तो लोग धान, चावल, चॉकलेट, पैसा देते हैं